नतीजों से पहले पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को निशाने पर लिए जाने से कांग्रेस हाईकमान चिंतित है। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कला का असर नतीजों से पहले दिखने लगा है। बीते दिनों कांग्रेस के दो उम्मीदवारों ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिया। मुख्तसर से कांग्रेस उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान उनकी कोई मदद नहीं की गई। इसके बाद अब कांग्रेस को एक बार फिर पार्टी में टूट का डर सताने लगा है। कांग्रेस को डर है कि चुनाव नतीजे आने के बाद जीते हुए उम्मीदवार पाला बदल सकते हैं, इसीलिए पार्टी पहले ही सभी कैंडिडेट्स को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस अपने सभी कैंडिडेट्स को चित्रकूट या फिर जगदलपुर में शिफ्ट कर सकती है। खबरों की माने तो ऐसा फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए पार्टी ने यहां दो रिसॉर्ट बुक करा दिए हैं। वहीं इस पूरे मसले पर कांग्रेस हाईकमान नजर भी बनाए हुए है। बता दें कि पार्टी पिछले कई चुनावों से सबक लेते हुए ये फैसला कर रही है। 2017 में कांग्रेस पार्टी गोवा में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद सरकार बना पाने में नाकाम रही थी। इसके अलावा विधायकों की टूट की वजह से कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सरकार गंवानी पड़ी, इसीलिए 2022 के पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले से ही सावधानी बरती जा रही है। वहीं पंजाब में सबसे ज्यादा कांग्रेस को डर सिद्धू और चन्नी के गुट को लेकर है। दरअसल सिद्धू को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने चन्नी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था, इसीलिए सिद्धू खेमा नाराज हो गया था। नवजोत सिंह सिद्धू के परिवार की ओर से कांग्रेस पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े किए गए थे। ऐसे में कांग्रेस को डर ये भी है कि चुनाव नतीजों के बाद सिद्धू खेमा कोई खेल कर सकता है, इसलिए पहले से ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि नतीजे के बाद ही साफ होगा कि कांग्रेस खेल में है या वो खेल से ही बाहर है। अब सबको इंतजार 10 मार्च को है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस हाईकमान को पार्टी के विधायकों के टूटने का डर सताने लगा है। इससे पहले भी कई राज्यों के चुनाव में कांग्रेस अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य में भेज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।